हेलो डियर स्टूडेंट मैं स्वरा पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू में स्वागत करती हूँ तो आज का जो हमारा टॉप वो मैंने बताया था कि मैं टेन ईयर के नीट के प्रीवियस पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी पीवाई क्वेश्चन में हम लोग टेन ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले ट्वेंटी थ्री डेन ट्वेंटी टू ऐसे लेकर चलेंगे तो सबसे पहला जो हमारा इसमें क्वेश्चन है, और का ही मैं कवर करूंगी। जिसमें सबसे पहला एक कल्चर में रखा जाता है लीफ मीजो सेल्स को कल्चर मीडियम में किसके फॉर्मेशन के लिए कैलस का, फॉर्म के लिए दिस फिन इस फिन को क्या बोला जाता है कैलस फॉर्मेशन के लिए क्या किया जाता है जो लीव का मीजोफिल सेल होता है उसको रखा जाता है कल्चर मीडियम में तो इस तरीके के जो फिनविन होती है इस प्रक्रिया जो होती है इसे क्या बोला जाता है तो इस तरीके की जो प्रक्रिया होती है उसे डेवलपमेंट जाता, बोला जाता है कि सेंसेस बोला जाता है कि डिफ्रेंसिएशन बोला जाता है कि डे डिफ्रेंसिएशन बोला जाता है डी डिफ्रेंसिएशन तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी डिफ्रेंसिएशन बोला जाता है अगर देखा जाए तो इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीव जो मीजोफिल सेल होती है वो कल्चर मीडियम में रखी जाती है कैलस फॉर्मेशन के लिए और इसी मीडियम को ही डी जाए डिडिफ्रेंसिएशन क्या होता है देख लेते हैं जो लिविंग डिफ्रेंसिएटेड प्लांट सेल जो होती है ओके जैसे कि एक पर्टिकुलर प्लांट सेल जैसे इसको मीजोफिल सेल को देखा गया और ये लिविंग है ओके ए, एक इसे लिविंग डी डिफरेंशिएटेड प्लांट सेल जो होती है नाउ दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड अगर ये डिवाइड की कैपेसिटी लॉस्ट कर चुकी है कैन रीगेन डिवाइड एंड कैन रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशन मतलब ये क्या होता है कि डी डिफरेंशिएशन मतलब पहले तो ये इसकी क्या हो गई थी कैपेसिटी क्या होती रिटेन हो गई थी देन अगेन दे गेन द कैपेसिटी ऑफ Differentiation. इसी को कहते हैं ओके तो हमारी जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं इन द इक्वेशन जीपीपी आर माइनस इक्वल टू एनपीपी ओके तो जीपीपी मतलब क्या होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो अगर देखा जाए इज अ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड एनपीपी इज अ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर मतलब होता है रिस्परेशन हेयर इज आर का मतलब ही मैंने बता दिया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस लगा है तो ये क्या होगा रिस्परेटरी लॉस यहां पे होगा क्या होगा रेस्पिरेटरी लॉस होगा जाहिर सी बात है इन आ, इन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट इन डिसप्रेशन में क्या होता है बहुत अमाउंट में क्या होता है ये प्लांट रेस्पिरेशन में जीजी जीपीपी जी यूटिलाइज कर लेते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसके कारण जो रेस्पिरेटरी लॉस होने लगता है माइनस में चला जाता है रेस्पिरेटरी शन ओके ये इसके बाद क्या फॉर्म करता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जैसा कि क्वेश्चन से ही कंफर्मेशन हो दि, आपको दिख रहा होगा तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं गिवेन बिलो आर टू स्टेटमेंट टू दो स्टेटमेंट नीचे दी गई है जिसमें पहला है द फोर्स जेनरेटेड ट्रांसपिरेशन कैन लेफ्ट लिफ्ट अजाइल साइज

ऑप्शन सेना है तो पहला है स्टेटमेंट ए एंड बी स्टेटमेंट ए करेक्ट बीज इन करेक्ट सेकेंड है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इन करेक्ट सेकेंड इज करेक्ट स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ करेक्ट तो इसमें जो है स्टेटमेंट फर्स्ट और दो, सेकंड दोनों करेक्ट है अगर मेजरमेंट मेजरमेंट किया जाए रिवर्स द, आ, अगर मेजरमेंट रिवर्स किया जाए दैट फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपोरेशन कैन क्रिएट प्रेशर क्या करती है प्रेशर क्रिएट करती है जो कि

ये इसमें क्या कर ट्रांसपोरेशन में क्या होता है कूलिंग ये क्या होता है क, ये भी करेक्ट है ट्रांसपोरेशन जो होता है लीव सरफेस को टाइम टेन टू फिफ्टीन डिग्री पे इवापोरेट कूलिंग देता है क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं इन एनजीओ स्पम में द में देप्लॉयड डिप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा एनजीओ में हेप्लॉयड सिंगल सेल डिप्लॉयड डबल सेल ट्रिप्लॉयड ट्रिपल सेल ऑफ अ फर्टिलाइज एग सैक सिक्वेंशियल इज इसमें सीक्वेंसियल पूछा गया है फर्टिलाइज्ड एग का तो पहला हो जाएगा सिनर्जिट्स बनेगा जायगोट्स बनेगा प्राइमरी इंडोस्पम बनाएगा जो होगा दूसरा सिनर्जिट बनाएगा एंटीपोडल सेल एंटीपोडल्स बनाएगा एंड पोलर

ओके okay. अगर डिप्लॉयड सेल की बात करें कि डिप्लॉयड सेल क्या फॉर्म करेगा तो डिप्लॉयड सेल आफ्टर अगर हेप्लॉयड से हेप्लॉयड कौन बनाता है सिनर्जिट देन सिनर्जिट मीट कम टुगेदर एंड कांटेक्ट एंड फॉर्म द जैगोड एंड डिप्लॉयड सेल ओके डिप्लॉयड सेल और डिप्लॉयड सेल क्या अपन uh, क्या फॉर्म करती है uh, जब uh, मिलते हैं तो जैगोड फॉर्म होता है जैगोड क्या होता है प्राइमरी थर्ड ट्रिपल स्ट्रक्चर फॉर्म कर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर क्यों फॉर्म करता है प्राइमरी इंडो न्यूक्लियस ओके तो ये हमारा जो है इसमें से अगर देखा जाए तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सिनर्जी जैगोड एंड प्राइमरी इंडो क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं फाइव क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर फाइव बोल रहा है इंडार्च पोजिशन ऑफ सेकेंडरी जयलम इन द्लांट्स इंडार्च और एक्स्टार्च किसको डिस्क्राइब uh, करने के लिए किसकी पोजिशन को डिस्क्राइब करता है सेकेंडरी जायलम के ये

ऑप्शन ए करेक्ट बी इज फॉल्स ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज ट्रू बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू डी इज द स्टेटमेंट फर्स्ट इज एंड स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही गलत है तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट बी ओके इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है स्टेटमेंट सेकंड जो है ट्रू है जो स्टार होता है किसकी कंडीशन को मोस्टली किसको फीचर करता है रूट सिस्टम को फीचर करता है ओके okay, अगर हम कंफर्म okay, हो जाइए ये हमेशा इंडार्च और टर्म यूज होता, होता है किसकी डिस्क्राइबिंग पोजीशन के लिए किसकी प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम के लिए नहीं यूज होता है एक सेकेंड मैं इसको क्लीन कर दूं सेकेंडरी जाइलम के लिए नहीं होता है ओके okay? ये प्राइमरी जाइलम के लिए होता है तो यहाँ पे प्राइमरी होगा सेकेंडरी नहीं होगा सेकेंडरी जाइलम के लिए नहीं होता प्राइमरी प्राइमरी जाइलम के लिए होता है और ये जो होता है प्राइमरी और जो प्राइमरी जाइलम होते हैं इस ऑफ्टन टू टाइप के होते हैं प्राइमरी जाइलम जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं एक तो होता है प्रोटोजाइलम दूसरा होता है मेटाजाइलम अगर इनके ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन की बात करें तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम इन ऑर्गन अरेंज, अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी अरेंजमेंट आप प्राइमरी इसमें जाइलम दिखाता है उनके जो प्राइमरी जाइलम का अरेंजमेंट होता है हो, होता है, वो इंडार्च और होते है। जो होता है वो प्राइम, प्राइमरी जाइलम को जाइलम के रूट को शो करता है ओके okay, जो जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है मतलब जो इसमें जो यही कंफर्म होता है कि इंडार्ज एक्स्टार जो होता है वो किसको डिनोट करता है प्राइमरी जाइलम को और प्राइमरी जाइलम में टू टा, टाइप के होते हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजम ओके okay, जो प्रोटोजाइलम और मेटाजम होती है इनके रिलेटिव बेसिस पे डिवाइड किया गया है इंडार्च और एक्सटार्च को क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है हेरोइन लिस्ट वन और सेकेंड दी गई है इसमें आपको करेक्ट वन देखना है कि इसमें मैच करना है हेरोइन मरीजुना एंड कोकेन एंड मॉर्फिन इसमें से आपको मैच करना है कि पहला ऑप्शन सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन मैच करना है तो सबसे पहले जो हेरोइन होता है वो किस किसके लिए यूज होता है हेरोइन जो होता है वो होता है कभी कभी सॉरी 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 मैं पेन किल्लर पे लगा रही हूँ हेरोइन जो होता है वो स्लो डाउन करता है बॉडी फंक्शनिंग को ये करता है जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होती है उसको स्लो स्लो डाउन करता है और ये प्राप्त होता है ओफियोड से और ये क्या करता है हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग होती है डिप्रेशन होता है उसको क्या करते हैं स्लो डाउन कर देता है बॉडी के फंक्शंस को इसके बाद मरीजूना जो होता है अगर मरीजोना की बात करें तो मरीजूना आ, को एक system system के में यूज होता है मतलब इफेक्ट एक मेडिसिन होती है जो कि इफेक्टिव इफेक्ट करती है किसको कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को किसको ये इफेक्ट करती है मरीजोना कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को अगर कोकेन की बात करें ओके okay, एक इंटरफेयर होता है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है न्यूरोट्रांसमीटर को और ये क्या करती है इंटरफेयर करती है ट्रांसफर ऑफ डोपामिन डोपामिन क्या होती है प्लेजर हार्मोन होता ओके okay, एक प्लेजर प्रोवाइड करता है एक हार्मोन होता है ओके okay, एक जो कि हमारी बॉडी में हमें खुशी और का अनुभव देता है ओके अगर कोकेन ये पे, पेन किलर के लिए यूज होता है तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हीरोइन स्लो डाउन द बॉडी कैविटी पहला ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट इनकरे, सेकंड भी इनकरेक्ट थर्ड है मतलब पहला इसमें पह, अगर आपको पहला आता है तो पहले पे ही आपका सारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा देखिए पहला जो है हेरोइन है जो कि बॉडी फंक्शनिंग को स्लो डाउन कर देता है और दूसरा है मरीजोना जो कि इफेक्ट करता है कि इसको कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को थर्ड है आ, कोकेन जो यूज करता है को सॉरी 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 यहाँ पे गलत हो गया है यहाँ पे मैंने गलत बता दिया ये यूज करता है इंटरफेरेंस ट्रांसफर ऑफ डोपिन किसको कोकेन जो होता है और मार्फिन जो होता है पेन किलर के रूप में यूज होता है मार्फिन जो होता है पेन किलर के रूप में यूज होता है और ये एक पेन किलर के रूप में भी होता है और पेन किलर के रूप में भी यूज होता है क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है गिवेन बिलो टू स्टेटमेंट फर्स्ट है आर्यन यूटेट्स

किसमें वायरस हैविंग आरएनए जीनोम वायरस में आरएनए जीनोम पाया जाता है एंड सॉर्टर लाइफ स्पॉन म्यूटेट्स एंड इवन फास्टर वायरस का जो जीनोम होता है बहुत स्पीड में म्यूटेट होता है तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा देखा जाए तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं क्योंकि जो आ, आर, वो वायरस के आरएनए uh, होते हैं वो जीनोम आरएनए uh, जीनोम उसमें देखने को मिलते हैं और इनकी लाइफ जो होती है शॉर्ट लाइफ स्पॉन होती है और ये फास्टर म्यूटेट करते हैं ओके ओके म्यूटेट जो होते हैं हैं फास्टर करते ये अनस्टेबल होते हैं और म्यूटेशन इनमें बहुत फास्टली देखने को मिलता है तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्या बोलता है ओके क्वेश्चन नंबर एट के बारे में क्वेश्चन गिवन बिलो टू स्टेटमेंट वास्ट डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स वास्ट डिफरेंस जो होता है वो क्या रिसीव करता है अ डक्ट जिसे क्या कहते हैं सेमी सेमिनल वेसिकल एंड ओपन और जो वाइस जो कि कहाँ ओपन होता है यूरिथ्रा फ्रॉम यूरिथ्रा एज इजाकुलेटरी डक्ट किस रूप में होता है डक्ट के रूप में। जो कि किस क्या फॉर्म करता है Vaginal birth canal करता है। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है ये बताना है आपको तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है सेकंड है दोनों ही करेक्ट है क्योंकि जो वैस uh, डिफरेंस होता है रिसीव करता है डक्ट जिसे कहते हैं सेमिनल वेसिकल वेसिकल्स और ये ओपन होता है में, ओके ओपन होता है एज पर ये कैसा वर्क करता है इजेकुलेटरी डक्ट के रूप में यूज करता है और ये जो कैविटी होती है इसे सर्विक्स सर्विक्स uh, जिसे कहते हैं उसे क्या बोला जाता है सर्विकल कैनाल बोला जाता है इसके सर्विक्स की जो कैविटी होती है उसे सर्विकल कैनाल बोला जाता है ये किसमें यूज क्या हेल्प करती है बर्थ कैनाल के रूप में भी यूज होता है तो इसमें स्टेटमेंट इस दोनों ही करेक्ट करेक्ट हैं तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर नाइन पे देख लेते हैं नाइन हमारा क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर नाइन द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरीड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल कौन सा इसमें से करेक्ट है जो कि साइटोस्केलेटन के थ्रू होता है मोटेलिटी मो, <coughs> सॉरी ट्रांसपोर्टेशन साइटोस्केलेटन किसमें हेल्प करता है <coughs> सॉरी मोटेलिटी ट्रांसपोर्टेशन न्यूक्लियर डिवीजन या प्रोटीन सिंथेसिस <coughs> तो जो साइटोस्केलेटन्स होते हैं ये एक अगर Elaborate network form करते हैं 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 होता है और ये आ, consist होते हैं से, से या जिसे कहते हैं, जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट भी कहते हैं और प्रेजेंट होता है साइटो में ओके कैसे होते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर के रूप में में और कलेक्टिवली क्या बोला जाता है साइटोस्केलेटन <laughs> <laughs> मतलब नेटवर्क टाइप में पूरे में एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है और ट्यूब्यूल्स या माइक्रो फिलामेंट्स के रूप में इंटरमीडिएट के रूप में पूरे साइटो, साइटो में ऐसे आ, सेल में क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होती इन्हीं को क्या बोला जाता है साइटोस्केलेटन और ये इन्वॉल्व होती है फंक्शन में मैकेनिकल सपोर्ट देती है और मैकेनिकल सपोर्ट मोर्टेलिटी है आप अगर अगर सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे चाहे वो आप प्लांट सेल देखें चाहे एनिमल सेल देखें और चाहे आप बैक्टीरियल सेल देखें जो इसमें साइटोप्लाज्म होता है उसमें माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं या माइक्रो फाइब्रिल्स या माइक्रो फिल्मेंट्स या माइक्रोटिब्यूल्स रूप में एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर हो, फॉर्म होता है और इसके जो ये पूरी सेल होती है इसको ये मोटेलिटी देता है ओके मोटेलिटी प्रोवाइड करता है और इसके बाद इसे सपोर्ट भी करता है इसकी भी सेफ को मेंटेनेंस करने में हेल्प करता है तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सॉरी ए हो जाएगा मैं सी बोल रही हूँ ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर टेन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्या बोल रहा है कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग दिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में क्या इसमेंट मैम साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन और कार्डेज और स्ट्रेस साइकिल जो नाइन प्राइमेट होते हैं मतलब इनवर्टिव होते हैं उनकी जो साइक्लिक uh, चेंजेस होते हैं उन्हें क्या बोला जा, बोल जाता है स्ट्रेस सॉरी मैंने इन्वर्टिव बोल दिया नॉन प्राइमेट मतलब जो इन्वर्टिव ग्रेड हाँ जिनमें वर्टिविटी नहीं पाई जाती है जो प्राइमेट नहीं है उनकी जो साइकिल होती है उसे क्या बोला जाता है ओस्ट्रस साइकिल सेकंड है द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगन एट द प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड एज मोनो मेनोपॉज़ तो क्या फर्स्ट जो साइकिल स्टार्ट होती है उसे मोनोपोज बोला जाता Second है सेकेंड है इंडिकेशन दिया जाता Second, है थर्ड uh, है एक्सटेंड बिटवीन मोनार्च एंड मोनोपोज जो साइक्लिक मेन्चुएशन होती है एक्सटेंड होती है किसके मोनार्च और मोनोपोज के बीच तो इसमें जो करेक्ट uh, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है पहला ऑप्शन करेक्ट है प्राइमेट में जो होती है इन सॉरी नॉन प्राइमेट जो होते हैं उनकी जो साइकिल होती है उसे क्या बोला जाता है ओस्ट्रस साइकिल ओके उनमें ओस्ट्रस साइकिल देखने को मिलती है ऑप्शन नंबर सी लैक ऑफ मेस्टुएशन में सॉरी प्रेगनेंसी अगर मेस्टुएशन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं प्रेगनेंसी का इंडिकेशन होता है नंबर डी क्या होता है जो साइक्लिक एक्सटेंशन होता है बिटवीन मोनार्च और किसके बीच होता है मोनार्च एंड मोनोपोज मोनार्च मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड मोनोपॉड इज द एंडिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल ओके तो ये फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होती है प्यूबर्टी एज में उसे मोनार्च बोला जाता है और साइ और जो मेंस्ट्रुअल

प्लीज बेल आइकन दबाना बिल्कुल थैंक यू फॉर वॉचिंग जाने बाय बाय कल सैटरडे संडे मिलते हैं फिर से इसी क्लास के साथ बाय बाय